केजरीवाल साहब जिस तरीके से, चूँकि केजरीवाल साहब ट्विटर, फेसबुक और इस टाइप के नेता गिरी में ज़्यादा यकीन करते हैं, दिल्ली के अंदर कोरोना के अंदर जितनी मिसमैनेजमेंट हुआ हुआ है, तो क्या ये केवल केंद्र सरकार की विफलता है, ये केजरीवाल जी की विफलता है? गुजरात मॉडल पूरे देश के अंदर मोदी जी ने बेचा था, तो क्या हुआ? हालत देख लीजिए गुजरात मॉडल का क्या हाल, और यही हाल केजरीवाल जी का। इन सब कड़ियों को जोड़ करके मुझे दिखाई दे रहा है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल रही हैं दिल्ली के दंगों के अंदर, और कोरोना के नाम के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पर पूरे दिल्ली में नफरत फैलाने का काम हुआ, और उसके अंदर केजरीवाल सबसे आगे रहे। केजरीवाल साहब खेल रहे थे, ये तो सारे देश ने देखा है। कहाँ वो जमातियों के नाम के ऊपर जो नफरत फैला रहे थे, कहाँ गया वो सब काम? कांग्रेस सबकी पार्टी है, कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों का दल है। दिल्ली कांग्रेस के नवनियुक्त सह प्रभारी इमरान मसूद जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, आज अपना प्रभार भी लेने के लिए आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है और अब यही केजरीवाल सरकार पंजाब में चुनाव लड़ना चाहती है। आज बड़ी घोषणा की अरविंद केजरीवाल ने कि जिस तरह से दिल्ली में बिजली, पानी, बसों में महिलाओं को फ्री, ये सारी जो मुफ्त चीज़ें यहाँ दिल्ली में दी जाती हैं, अब यही सारी चीज़ें पंजाब में भी आम आदमी पार्टी। देखिए, दिल्ली और पंजाब की दोनों की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं। दिल्ली शहरी क्षेत्र है और पंजाब ग्रामीण परिवेश का है, और केजरीवाल साहब जिस तरीके से, चूँकि केजरीवाल साहब ट्विटर, फेसबुक और इस टाइप के नेतागिरी में ज़्यादा यकीन करते हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर जा करके काम करने में उनका यकीन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। और पंजाब के लिए वो क्या योजना, मैंने अभी अध्ययन किया नहीं, जब तक ना कर लो तब तक पता चलेगा, लेकिन दिल्ली का मॉडल कोई एक सफल मॉडल को आप नहीं कह सकते। दिल्ली के अंदर कोरोना के अंदर जितनी मिसमैनेजमेंट हुआ हुआ है, तो क्या ये केवल केंद्र सरकार की विफलता है, ये केजरीवाल जी की विफलता है? मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जिस दिल्ली मॉडल को वो गुजरात में भी बेचना चाहते हैं, पंजाब में कह रहे हैं कि यही करेंगे, सब कुछ फ्री में दे दिया जाएगा, ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स अगर केजरीवाल लेते हैं, तो क्या इससे कांग्रेस सत्ता में है पंजाब में नुकसान हो सकता है? देखिए, किस प्रकार ये संभव होगा? आपको सरकार चलाने के लिए खजाने में पैसा चाहिए, आप मुफ्त सारी चीज़ें बांटेंगे, कैसे संभव होगा? ये संभव नहीं हो सकता है। गुजरात मॉडल पूरे देश के अंदर मोदी जी ने बेचा था, तो क्या हुआ? हालत देख लीजिए गुजरात मॉडल का क्या हाल, और यही हाल केजरीवाल जी का है। केजरीवाल जी ने क्या किया? केजरीवाल जी जिस तरह की बातें, जितना लंबी लोक लुभावन बातें करते हैं, कोरोना के अंदर उनके सरकार के प्रबंधन का हाल लोगों ने देखा है सबके सामने, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। 2022 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है। आज एक खबर BSP की तरफ से आई, मायावती कह रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और स्थानीय चुनाव में उनकी पार्टी नहीं पार्टिसिपेट करेगी, सारी तैयारी वर्कर्स को कह रही है कि यूपी में जो असेंबली इलेक्शन है उसके लिए लगा। देखिए, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की दूसरी टीम के रूप में काम करती हैं, और ये बात मुझे कहने में कतई तौर पर शक को शुबा नहीं बचा, चूँकि सहारनपुर में हमारे 34 में से 34 जिला पंचायत मेंबर थे जो NT BJP जीते थे, और हमने एक उम्मीदवार को फाइनल किया था जो बहुजन समाज पार्टी से, ताकि हम सब लोग मिलकर के उसे लड़ाते। 11 कांग्रेस के पास थे, 16 BSP के पास थे, और हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, 5 समाजवादी पार्टी के पास थे। हमारा मोर्चा बना एंड टाइम के ऊपर, परसों जब नॉमिनेशन हो रहा था, एंड टाइम के ऊपर कैंडिडेट भाग गया, BJP वाले ले गए। हमने दूसरा एक कैंडिडेट ही जो नॉमिनेशन डमी के लिए कर रहा था, उसका नॉमिनेशन करा दिया, अनफॉर्चुनेटली आज वो भी भाग गया, और उसके बाद मायावती जी का बयान आ गया। इन सब कड़ियों को जोड़ करके मुझे दिखाई दे रहा है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल रही हैं, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बना करके चल रही हैं। मायावती जी का इस प्रकार से विड्रॉ करना, ये अपने आप में है कि भारतीय जनता पार्टी को खुला रास्ता मायावती जी देना चाहती हैं। पंजाब में भी अकाली शिरोमणि अकाली दल से BSP का गठबंधन हो गया है, तो आपको लगता है जहाँ जहाँ कांग्रेस की उम्मीदें हैं वहाँ उनका वो खत्म करने के लिए BSP गठबंधन कर रही है? देखिए, कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के टारगेट के ऊपर कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी के टारगेट के ऊपर कोई लोकल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश के अंदर, चूंकि देश में एक आवाज़ राहुल गांधी की आवाज़ ऐसी है जो आवाज़ देश के अंदर प्रधानमंत्री के खिलाफ मजबूती के साथ उठती है, उस आवाज़ को कमज़ोर करने के लिए, कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए हर जगह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि कांग्रेस को टारगेट किया जाए। वही काम यहाँ पर भी हो रहा है, वही काम सब जगह पूरे देश में हो रहा है। एक आखिरी सवाल, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है, एक बड़ी उम्मीद आपके ऊपर है कि अकलियत के लोगों को वापस पार्टी से जोड़ने की, आपको लगता है दिल्ली में शून्य पे हैं और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी आपको बताइए? देखिए, अकलियत के लोगों को अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम बार बार कहते हैं दिल्ली के अंदर
आपने केजरीवाल साहब को देख लिया, केजरीवाल साहब ने दिल्ली के दंगों के अंदर और कोरोना के नाम के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पर पूरे दिल्ली में नफरत फैलाने का काम हुआ और उसके अंदर केजरीवाल सबसे आगे रहे, तो इनको समझने की ज़रूरत है। आज क्या, आज पूरे देश के अंदर, पूरे देश ने देखा ना कि किस तरह से कोरोना के नाम के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके केजरीवाल साहब खेल रहे थे, ये तो सारे देश ने देखा है। कहाँ वो जमातियों के नाम के ऊपर जो नफरत फैला रहे थे, कहाँ गया वो सब काम? तो ये सब चीज़ें समझने वाली है और समझ रहे हैं लोग, समझेंगे, इसमें नहीं। कांग्रेस किसी जाति धर्म की पार्टी नहीं है, कांग्रेस सबकी पार्टी है। कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों का दल है जिसके अंदर किसी भी जगह नफरत को जगह नहीं है, नफरत को जगह कोई नहीं है हमारे यहाँ। 2022 में कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए या छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि सपा अलग लड़ेगी, बीएसपी अलग लड़ेगी, कांग्रेस की कितनी तैयारी है? देखिए, हम लोगों की पूरी तैयारी है और मेरा व्यक्तिगत मत है कि जब तक आप सब विचारधारा, समान विचारधारा के लोगों को साथ लेकर के चुनाव में नहीं उतरोगे तब तक विजय नहीं मिल सकती है, मेरा ये व्यक्तिगत मत है, लेकिन पार्टी का निर्णय जो होगा वो सर्वोपरि होगा। तो ये साफ तौर से इमरान मसूद जो आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, इन्हें दिल्ली का सह प्रभारी भी बनाया गया है, अकलियत के एक बड़े चेहरे के तौर पे उनको नई जिम्मेदारी दी गई है और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली मॉडल है वो पंजाब हो या दूसरे राज्यों में हो वहाँ नहीं चल पाएगा, क्योंकि दिल्ली मॉडल को वो सक्सेसफुल मॉडल नहीं मानते हैं। आज ही अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की है कि पंजाब में भी किसानों को बिजली पानी ये सारी चीज़ें जो फ्री दी जाएंगी उसको लेकर उन्होंने तंज कसा है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।